बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इस कंपाउंड की हमने प्रेपरेशन करनी है, डैट इज़ नाइट्रोबेंजीन। तो ये देखें, सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगी ये देखिए, हमारे पास क्या बन गई है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो इसमें देखिए हमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड हैं। बेंजीन 2.9 सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3.5 सेंटीमीटर क्यूब और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी प्रोसीजर देख लेते हैं। प्लेस 3.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन अ 50 सेंटीमीटर क्यूब राउंड बॉटम फ्लास्क। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड लेना है 50 सेंटीमीटर क्यूब राउंड बॉटम फ्लास्क में। उसके बाद हमने स्लोली उसमें क्या ऐड करना है, 4 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमने स्लोली क्या करना है, ब्यूरेट में हमने ऐड करना है 2.9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन। हमने शेक करना है उस मिक्सचर को। उसके बाद हमने टेम्परेचर उसमें क्या रखना है, 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस। फिट अ स्मॉल रिफ्लक्स कंडेंसर टू द फ्लास्क। हमें फ्लास्क के साथ क्या अटैच करना है, कंडेंसर। एंड हीट इन अ वाटर बाथ मेंटेन एट 60 डिग्री सेल्सियस। और हमने जो टेम्परेचर रखना है वाटर बाथ का, वो कितना रखना है, 60 डिग्री सेल्सियस। और उसको हीट करना है कितने मिनट्स के लिए, 90 मिनट्स के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड शेक दी फ्लास्क विग्रसली। आपने इस प्रोसेस में क्या करना है, फ्लास्क जो है वो विग्रसली शेक करते रहना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड देन पोर द मिक्सचर इन टू 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कोल्ड वाटर। इसमें आपने क्या करना है, 30 सेंटीमीटर क्यूब जो कोल्ड वाटर है उसमें आपने मिक्सचर को क्या करना है, पोर करना है। सेपरेट द अपर लेयर ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय मीन्स ऑफ सेपरेटिंग फनल। अब आपने क्या करना है, जो अपर लेयर होगी नाइट्रोबेंजीन की, उसको आपने सेपरेटिंग फनल से क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। अब वो जो ऑयली लेयर आपके पास आएगी नाइट्रोबेंजीन की, उसको आपने वॉश करना है ट्वाइस, दो दफा विद वाटर के साथ। एंड देन विद डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ डायल्यूट सोल्यूशन से इसको वॉश करना है। एंड फाइनली अगेन विद वाटर। और दोबारा आपने इसको किससे वॉश करना है, वाटर से। नाइट्रोबेंजीन विच फॉर्म्स इज अ लोअर लेयर इज रन इन टू अ ड्राई फ्लास्क। इसके बाद आपने क्या करना है, जो नाइट्रोबेंजीन के जो लेयर बनेगी उसको आपने ड्राई फ्लास्क में करना है। अलाउ टू स्टैंड ओवर दी पीसीज ऑफ एन हाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड शेक इट फॉर्म टाइम टू टाइम अंटिल द लिक्विड इज क्लियर। अब आपने क्या करना है, उसमें अपने एनहाइड्रस कैल्शियम जो क्लोराइड है उसको ऐड करना है। उसको क्या करना है, शेक करना है जब तक कि हमारे पास जो है वो क्लियर जो लिक्विड है उसकी जो लेयर है वो नहीं आती। फिल्टर द क्लियर लिक्विड इनटू अ स्मॉल डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब उसके बाद आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या करना है, उस लिक्विड को क्लियर करना है, उसको फिल्टर कर लेना है। एंड डिस्टिल इट यूजिंग अ कंडेंसर। और उसको डिस्टिल करना है किससे, कंडेंसर से। कलेक्ट द पोर्शन बॉइलिंग ऑफ 200 to 207 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है उसके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको 202 से 207 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉयल करेंगे और वही उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जो नाइट्रोबेंजीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 208 डिग्री सेल्सियस के। 208 डिग्री सेल्सियस पे क्या आएगा, उसका बॉइलिंग पोर्शन है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था, किस तरह हम जो नाइट्रोबेंजीन है उसकी प्रेपरेशन करते हैं। तो अब मैं आपको इसको रिटन फॉर्म में भी दिखा देती हूँ, ताकि इजीली आप लोग जो है इसको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे नोट कर सकें। पहले आप जो है वो इस तरह ब्लैंक पेज पे हेडिंग देंगे कि आपने किस कंपाउंड की प्रेपरेशन करनी है। इसी तरह आप जो ब्लैंक पेज है वहाँ लेड पेंसिल से मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद केमिकल इक्वेशन और देन क्या लिखेंगे, रिजल्ट। और उसके बाद फिर आप इसी तरह जो ये वाला पेज होगा इस पर आप ऐसे ही हेडिंग देंगे नाइट्रोबेंजीन, इसके बाद यहाँ केमिकल मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। जो सारा प्रोसीजर हमने पीछे पढ़ा है उसको आप सारे प्रोसीजर को अपनी कॉपी पे यहाँ नोट कर लेंगे और लास्ट पे आप क्या लिख देंगे, रिजल्ट।